और एक बड़ी खबर इस वक्त की, बाइडेन चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन कमला हैरिस के नाम का समर्थन उन्होंने कर दिया है और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कह दी है। कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है खुद जो बाइडेन ने, जिन्होंने की पहले पत्र लिख करके ऐलान किया कि राष्ट्रपति का वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। नीरज, आखिरकार वैसा ही हुआ जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी, कमला हैरिस के नाम का समर्थन भी अब इन्होंने कर दिया है। क्या पार्टी की ओर से तमाम फैसले हैं जिसका समर्थन करना बाइडेन की मजबूरी भी थी? देखिए, कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया लेकिन ये तय पार्टी करेगी प्रशांत, उन्होंने एंडोर्स किया है उनके नाम का क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है और ऐसा भी नहीं, वो डेमोक्रेट के अंदर बहुत पॉपुलर भी है कमला हैरिस, और अगर वही रेस में आगे रहती हैं तो उन्हें समर्थन भी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से मिलेगा, लेकिन अंतिम तौर पर वो उम्मीदवार होंगी कि नहीं ये आने वाले वक्त में तय होगा। दूसरी अहम बात आपको बता दें कि जो पत्र लिखा था उसमें भी उन्होंने कमला हैरिस को धन्यवाद किया था, कामकाज के लिए उनकी तारीफ की थी, लेकिन और अब उन्होंने कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन भी कर दिया है और ये भी अमेरिका से आती एक बड़ी खबर।